सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, हमने कुछ बात की थी कि कौन कौन से आप ऐसे मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि जो प्रेगनेंसी है वो प्रोहिबिटेड हो या फिर वो प्रिवेंट हो सके. ठीक है, हमने बात की थी IUDs की, ऑलरेडी बात की थी कि ये कैसे कैसे मेथड्स हैं जो अप्लाई करते हैं. ठीक है, हमने बोला था कि दे आर जस्ट लाइक डिवाइसेस विच इज जस्ट मेड अप ऑफ द प्लास्टिक मेटल विच आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू विच आर इंजेक्टेड टू द यूरिटस टू प्रिवेंट द कंसेप्शन. ठीक है, मीन्स लाइक दैट हमने बात की थी कि हमने जो इसमें जो मेन चीज़ होती है दैट इज़ दैट वी हैव टू जस्ट प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी स्टेजेस. ओके, सो देर वर जस्ट ऑफ द थ्री टाइप्स, दैट वॉज द इनर्ट, कॉपर रिलीजिंग एंड द हार्मोन रिलीजिंग. ओके, सो टुडे वी विल जस्ट टॉक अबाउट दिस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सम काइंड ऑफ ओरल पिल्स विच कैन बी टेकन अप बाय द फीमेल्स. ओके, सो दैट यू दे कैन जस्ट प्रिवेंट दी प्रेगनेंसीज. ओके, so we will just talk about the oral pills. okay, so oral pills are just like that, they are the preparation either contain the progesterone or the estrogen. means the you very well know that the there are the two types of hormones. theek hai, jaise ki jo females release karte hain, theek hai, hormone pills act as in the fourth phase. jo bhi wo hormones wo jo lenge, theek hai, जो उनके अंदर होते हैं हार्मोनल, ठीक है, उनमें वो जो चेंज लाएंगे वो चार वे से उनके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. ठीक है, जैसे कहता है इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इसमें आपका इनहिबिशन ऑफ द ओव्यूलेशन होगा. ठीक है, कि ओव्यूलेशन में क्या क्या वो चेंजेस वो होंगे, ठीक है, ताकि जो प्रेगनेंसी है जो उनके जो भी जायगोट फॉर्मेशन होना वो प्रिवेंट हो सके. ठीक है, नेक्स्ट इज द यू ट्राइन टू मेक इट द अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन. कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्प्लांटेशन को प्रोहिबिट करें. ठीक है, इनहिबिशन ऑफ द मेटालिटी एंड सिक्रीशन एक्टिविटी फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, जैसे कोई भी हो सकता है, वो पिल्स ले सकते हैं, दे कैन ऑल्सो टेक पिल्स लाइक दैट, वो सहेली ले सकते हैं. ठीक है, देर आर वेरियस टाइम्स ऑफ प्रेगनेंसी को प्रोहिबिट करने के लिए कुछ डिफरेंट टाइप की पिल्स होती हैं. ठीक है, यहाँ पर दे हैव जस्ट रिटन दैट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस ऑफ आइदर प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कम्बिनेशन इज अनदर कंट्रासेप्टिव मैथड यूज बाय द फीमेल्स. ठीक है, दिस इज वन सच ऑफ द मैथड विच इज जस्ट यूज बाय द फीमेल. ओके, they are used in the form of tablets and hence are popularly called as the pills. हम इनको टैबलेट की फॉर्म्स में ये दे सकते हैं. ठीक है, जो भी है, जो भी जिन्होंने प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करवाना, दे कैन जस्ट टेक दीज काइंड ऑफ पिल्स विच आर जस्ट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स. ओके, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ 21. ठीक है, मीन्स दैट कि 21 जो डेज का पीरियड होता है, जो स्टार्टिंग होता है परफेक्टली विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो एक डॉक्टर के साथ रिकमेंड करके इन चीज़ों को वो ले सकते हैं. ठीक है, कि जैसे उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो पीरियड है ड्यूरिंग द 21 डेज का, उसमें वो ले सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिज़ायर्स टू प्रिवेंट द कंसेप्शन. मीन्स दैट कि 3 डेज के, अगर 7 डेज के बारे में बात करें, सॉरी, तो उसमें क्या गैप होता है कि ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल व्हेन इट हैज़ बीन अकर्ड, ठीक है, और रिपीटेटिवली सेम पैटर्न्स में दे हैव टू जस्ट टेक दिस काइंड ऑफ अ पिल्स सो दैट दे कैन जस्ट प्रिवेंट द कंसेप्शन. ओके, नेक्स्ट इज दैट दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन. ठीक है, ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं, एज वेल एज अलर्ट द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्यूकस टू प्रिवेंट द रिटार्ड एंट्री ऑफ द स्पर्म्स. वो क्या करते हैं, जो भी एंट्री ऑफ द स्पर्म्स अंदर जाएंगे उनको भी प्रिवेंट करेंगे. ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये भी बताई दैट पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेस साइड इफेक्ट्स. ऑब्वियसली दे विल टेक अ पिल्स नॉर्मली वो लेंगे टैबलेट की फॉर्म में, उसमें उसका कोई भी साइड इफेक्ट अकर नहीं करेगा. ठीक है, एंड आर वेल एक्सेप्टेबल बाय द फीमेल्स. वो बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो हैं इसको यूज़ करना, इस मेथड को यूज़ करना, दे फाइंड इट वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट इज सहेली, जिसको हम नेम दिए दैट इट इज़ वन सच पिल प्रेजेंट फॉर दिस काइंड ऑफ प्रिवेंशन. ओके, फर्स्ट इज आर द न्यू ओरल कंसेप्टिव फॉर द फीमेल्स कंटेन्स अ नॉन सुटेबल प्रिपरेशन. मीन्स दैट कि अगर 1 वीक में पिल विद द वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कंसेप्टिव वैल्यू. कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने एक नेम दिया है कि ये जो मेडिसिन का नाम, जैसे आप कोई भी नॉर्मली मेडिसिन आप लेते हैं, ठीक है, आपको पर्टिकुलर मेडिसिन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ कि हाँ फीवर के लिए हम डायरेक्टली लेते हैं कि PCM लेना है, हमने पैरासीटामोल लेना है. ठीक है, सो ये जो है कुछ टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स सी हुए हैं इन्हें कि हाँ कि आप इन पिल्स को आप ले सकते हैं, यू कैन जस्ट डेफिनेटली प्रिवेंट द प्रेगनेंसीज. ओके, नेक्स्ट इज दैट
that there are certain kind of surgical method also which can be taken for prevention of the pregnancies. Okay, first in the surgical method is the, so first of all you must be knowing that what is a surgical method. So it is also called as sterilization. Okay, sterilization, the generally advised for the male and female partner as a terminal method to prevent any more pregnancies. वो एक टर्मिनल मेथड है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, ताकि वो प्रेगनेंसी जो फीमेल प्रेगनेंसी टेक ऑन करेंगे उनको वो प्रिवेंट कर सके. ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये प्रिवेंट होगा तो जो रिप्रोडक्टिव है हमारी हेल्थ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जो भी हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी ये चीज़, इफ़ दे विल जो प्रिवेंट द प्रेगनेंसीज. ओके, अब क्या सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट्स ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंशन कंसेप्शन. गैमेट्स, अगर गैमेट्स अगर जाएंगे, अगर उनमें फर्टिलाइजेशन कैरी ऑन करेगी तभी जो है जायगोट और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होएगा. ठीक है, सो इसमें क्या चीज़ है कि अगर हम गैमेट्स को ही जाने से रोक देंगे, ठीक है, और ताकि प्रिवेंट कर सके प्रेगनेंसी को, तभी ये जो मैथड है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है. ठीक है, सो इट हैज़ बिन रिटन हेयर दैट द सर्टिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज़ कॉल एज वेसिटोवी. ठीक है, इसको हम टोमी वैसे टोमी बोलते हैं. ठीक है, इसमें जैसे आप ये देख सकते हो डायग्राम, इट हैज़ बीन शोन हेयर कि इसमें क्या होता है कि वास डिफरेंसेस टाइड अप एंड कट. ठीक है, जो मेल के अंदर ही बात कर रहे हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दोनों को टाइड अप कर देते हैं और कट कर देते हैं ताकि जो गैमेट्स जो भी मूवमेंट होनी है वो रुक जाए. ठीक है, अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, दिस इज़ द मैथड इज यूज इन द फीमेल दैट जिसको हम ट्यूबिक्टोमी बोलते हैं. इसमें क्या, जो फेलोपियन ट्यूब्स है आर कट, इनमें हम ये चीज़ कट कर देते हैं ताकि इनमें भी जो आगे की प्रोसेस है, जो गैमेट्स की फॉर्मेशन है, जो भी आफ्टर द सेक्सुअल जो भी चीज़ें अगर करती हैं वो रुक जाएँ, तो अगर ये रुक जाएंगी तो जो आपका प्रेगनेंसीज है वो भी टेक प्लेस नहीं करेंगे. सो दीज आर द सम काइंड ऑफ अ सर्जिकल मेथड्स बाय विच वी कैन जस्ट प्रिवेंट द प्रेगनेंसीज. ओके, सो नाउ वी विल जस्ट टॉक अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द वैसेक्टोमी. ठीक है, इस क्या है, इट इज़ अ सर्जिकल मेथड ऑफ द सर्टिलाइजेशन. इसको हम सर्जिकल मेथड बोलते हैं. आपने यहाँ पर पढ़ा है कि मेन चीज़ क्या है कि सर्जिकल मैथड्स ही हैं. ठीक है, वन सच मैथड है विच इज़ कॉल्ड एज अ सर्जिकल मैथड विच इज़ यूज इन द मेल. ठीक है, जिसको हम वास डिफरेंशिया बोलते हैं एंड आर ब्लॉक बाय कटिंग एंड अगली दैम सो दैट स्पर्म्स आर अनेबल टू पास डाउन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यहाँ से ये क्या कर देंगे, जो स्पर्म्स है जो मेल के गैमेट्स वगैरह होंगे वो पास ऑन करने जो भी हम करेंगे तो हम उनको रोक देंगे. वी विल जस्ट मेक अ कट हेयर. ओके, सो दैट दे विल नॉट ट्रेवल इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो इन दिस वे वी कैन जस्ट प्रिवेंट इट. ओके, नेक्स्ट इज द वी विल जस्ट टॉक अबाउट दैट फीमेल. दिस फीमेल में हमने बात की कि सर्जिकल मेथड इज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल्ड एज अ ट्यूबिक्टोमी. इसमें क्या होता है दैट इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर है ऑफ अ फीमेल सर्टिलाइजेशन वेयर अ पोर्शन ऑफ द बोथ फेलोपियन ट्यूब इज एक्सेस आर लेगेटेड टू द पास टू द ओवम थ्रू दैम. कहने का मतलब क्या है कि हम अगर इनके भी चीज़ें, अगर इनकी जो भी इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हम अगर इनको भी अगर रोक दें तो हम इस वे जो है प्रिवेंशन कर सकते हैं. ठीक है, इन द सर्जिकल प्रोसीजर बोला है कि द फिलोपियन ट्यूब्स आर कट. इसमें आप देख सकते हो जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं हमने उसको कट कर दिया और टाई अप कर दिया. ये जो सी है, ठीक है, हमने पहले कट लगाया उसको टाई अप कर दिया. ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम इसको प्रिवेंट करेंगे ताकि ये जो भी फर्दर प्रोसीजर है वो टेक प्लेस ना कर पाए. ठीक है, द प्रोसीजर इज़ रिवर्सिबल कैन कट एंड रिज्वाइन. हम इस जो प्रोसेस है इसको रिज्वाइन भी कर सकते हैं, हम इसको फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं जैसे कि डॉक्टर्स करेंगे. ठीक है, by trying some kind of a method also. ठीक है, सो दीज आर टू ऑफ द एग्जाम्पल्स. ठीक है, वेसिक्टोमी एंड द ट्यूबिक्टोमी. ठीक है, जो ये दो सर्जिकल मैथड हैं जो यूज अप हैं हमारे मेल और फीमेल में जो हम यूज़ करते हैं. ठीक है, ताकि हम सीरियसली प्रिवेंट कर सके प्रेगनेंसीज. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसीज करना पड़ेगा सो दैट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन विल नॉट टेक प्लेस. ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैथड फॉर दिस थिंग.